आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। हरियाणा की तमाम 90 असेंबली सीटों पर वोटिंग शुरू। नायब सिंह, भूपेंद्र हुड्डा और अवनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों का सियासी किस्मत दांव पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज महाराष्ट्र को तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का देंगे तोहफा। मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी करेंगे जारी। कुपवाड़ा के गोकुलधार में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम। सर्च ऑपरेशन जारी। दरअंदाजी की मिली थी इत्तला। पाकिस्तानी पुलिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हामियों पर आंसू गैस के गोले दागे। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ रैली की। इमरान खान की रिहाई का किया मुतालबा। और इसराइल ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर एक बार फिर किया हमला। मकीनों से फौरी तौर पर इनखला का मुतालबा। बाइडन ने कहा इसराइल ईरान के ऑयल फील्ड्स पर हमले के मुतबादिल पर करेगा गौर। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। हरियाणा की 90 असेंबली सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के अमल को खुशअसलूबी से चलाने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए हैं। हरियाणा में 20,632 पोलिंग मराकज पर 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वोट डालेंगे। इस इलेक्शन में 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 101 खवातीन उम्मीदवार हैं जबकि 930 मर्द उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला है। हुक्मरान जमात बीजेपी रियासत में तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए मुकाबला करेगी जबकि कांग्रेस तवील अरसे के बाद रियासत में इक्तदार में वापसी की उम्मीद कर रही है। बीएसपी, INLD, आम आदमी पार्टी और JJP उम्मीदवारों की किस्मत भी EVM में कैद हो जाएगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी जिसके बाद तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी कि आया बीजेपी हैट्रिक करेगी या कांग्रेस बीजेपी के मरकज को तोड़कर वापसी करेगी। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की तमाम 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के लोगों से जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में शामिल होने की अपील की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा आज हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग हो रही है। मैं तमाम वोटर्स से अपील करता हूं कि वो जमहूरियत के इस मुकद्दस त्यौहार का हिस्सा बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम करें। इस मौके पर रियासत के इन तमाम नौजवान दोस्तों को मेरी खुसूसी मुबारकबाद है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र वोटर मैंडेट देने जा रहे हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की। उन्होंने लिखा वीरभूमि हरियाणा के लोग आज रियासत में वोट डालने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट हरियाणा को खर्ची पर्ची राज बदनवानी और डीलरों से पाक रखने में मदद करेगा। मैं तमाम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि वो तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए वोट दें और ऐसी हुकूमत को मुंतखब करें जो हुकूमत को एक ज़िले से निकालकर हरियाणा के हर गांव तक पहुंचाने वाली हो। छोटे वादों के साथ नहीं बल्कि तरक्की और अच्छी हुक्मरानी का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली हुकूमत ही हरियाणा को का भला कर सकती है। पहले मतदान फिर जलपान। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी अंबाला में पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना वोट डाला। वजीर आला ने हरियाणा के लोगों से 100% वोट देने की अपील की और कहा कि बीजेपी 8 अक्टूबर को भारी मार्जिन के साथ तीसरी बार अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। 100% मतदान करें इस लोकतंत्र के महापर्व में, मैं ऐसा आग्रह करूंगा। माँ के नवरात्रि भी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेशवासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है
लोकतंत्र की मजबूती भी है। हरियाणा की तमाम 90 असेंबली सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। मरकजी वजीर मनोहर लाल ने करनाल में एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने झज्जर के एक पोलिंग बूथ पर अपना हक रायदेही का इस्तेमाल किया। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए, बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी मंदिर जाएंगे। पोहरा देवी मंदिर को बंजारा बिरादरी का काशी माना जाता है। इसके साथ ही वजीर आजम वाशिम में बंजारा हेरिटेज सिटी म्यूजियम का भी इफ्तिताह करेंगे और पोहरा देवी में एक अवामी तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम बंजारा लबाना संत से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर में वजीर आजम थाने में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। थाने में वजीर आजम रियासती हुकूमत के वजीर आला लाडली बहन योजना और खवातीन को बाख्तियार बनाने के मिशन से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो सांता क्रूज मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन और मेट्रो की सवारी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान थाने में इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट समेत कई दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। थाने में वजीर आजम रियासती हुकूमत के वजीर आला लाडली बहन योजना और खवातीन को बाख्तियार बनाने के मिशन से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई से सटे थाने में आने वाले हैं और यहां पर उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें महिलाएं खास तौर पर बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री जब थाने में आएंगे तो कई ऐसे लाडली बहनों से वो मुलाकात भी करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ लाडली बहन योजना से उनको लाभान्वित भी करेंगे। ये जो डायरेक्ट मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, मैं हक से कह सकती हूँ कि ये मेरे पैसे हक से है और मैं हक से अपनी जैसे मुझे चाहे वैसे खर्च कर सकती हूँ, इसलिए मैं प्रधानमंत्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री ने बहुत लड़की को पैदा होने तक पैसा देते, फिर किसी के पास एडमिशन के लिए पैसा नहीं रहता था इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकती थी लड़की, अब भी बहुत सक्षम हो गई है, लड़की भी पढ़ सकती है और घर वाले भी उनको पढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो योजना चालू किया है वो लाडली बहन का है, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया है उन्होंने। वजीर आजम तकरीबन 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। ये मंसूबा थाने शहर की बढ़ती हुई नकलो हमल की जरूरियात को पूरा कर सकेगा। वजीर आजम थाने के छेदा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन का संग बुनियाद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट जुनूबी मुंबई से थाने तक बगैर किसी रुकावट के रास्ता फराहम करेगा। वजीर आजम तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का संगे बुनियाद भी रखेंगे। मजीद बरा पीएम तकरीबन 2,550 करोड़ रुपए के नए मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना प्रोजेक्ट के फेज वन का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मंसूबे में बड़ी सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और मजबूत इस्तेमाल के बुनियादी ढांचे की तामीर शामिल है। थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अजीमुशान इंतजामी इमारत से थाने के शहरियों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बेशतर दफातर एक मरकजी मुकाम पर होंगे। प्रधानमंत्री का थाने दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो थाने वासियों के लिए कई सारी सौगात इस दौरे से मिलेगी, वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। शीर्षलार डीडी न्यूज थाने। अपने दौरे वाशिम के दौरान वजीर आजम बंजारा म्यूजियम का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मकसद बंजारा तहजीब और सकाफत और इसकी तारीख को नई नस्ल तक पहुंचाना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बंजारा समुदाय और उसका देश के प्रति समर्पण आदिकाल से लेकर आज तक
कहीं ना कहीं हमने किताबों में फिल्मों में तो देखा था लेकिन आंखों से जानने का मौका मिलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए वासिम में तो वासिम में बंजारा विरासत यानी कि बंजारा समुदाय को लेकर एक म्यूजियम बनाया गया है और म्यूजियम के पीआरओ भावेश पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। भावेश जी, पहला सवाल, अगर इस म्यूजियम की बात की जाए तो इसके निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य रहा और इसमें क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान में रखा जब ये म्यूजियम बनाया जा रहा था? सर नमस्कार। सर अपन जानते हैं कि कई सालों से बंजारा समाज लुप्त हो चुके थे, लोग पहचानते नहीं थे, इंटरनेशनल लेवल पे भी बंजारा थे, कहीं अंग्रेजों ने उनको इधर उधर कर दिया था। तो आज बंजारों समाज को कोई जाने उसके लिए ये पूरे म्यूजियम का निर्माण किया गया है कि देश विदेश से और अपने देश में और विदेश में सभी लोग उनको पहचाने। इस म्यूजियम में पूरी तरीके से बंजारा विरासत को दर्शाने की कोशिश की गई है कि रात में किस तरीके से एक्टिविटी रहती है, डे में किस तरीके से एक्टिविटी रहती है, बंजारा समुदाय से कौन कौन से महापुरुष आते हैं और इन सभी को लेकर कहा जा सकता है कि इस म्यूजियम में जो भी लोग आएंगे वो बंजारा विरासत को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज वाशिम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम की खबर है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। आला हुकाम के मुताबिक कल दरअंदाजी के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा के गोकुलधर में एक मुश्तरक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान चौकस फौजियों ने मशकूक सरगर्मी देखकर उसे ललकारा, जिसके बाद दहशतगर्दों के साथ फायरिंग हुई। कल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग की इत्तला मिली है। आला हुकाम ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इत्तला मिलने के बाद किश्तवाड़ जिले के चतरू गांव में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। इससे पहले 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली इंतहा पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में 30 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों से बड़ी तादाद में नक्सली अशिया और AK-47 SLR समेत दीगर हथियार भी बरामद हुए हैं। बस्तर डिवीजन में जारी इंसदादे नक्सल मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इस साल गुजश्ता 8 महीनों में 663 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 556 माओनवाजों ने नक्सल इंतहा पसंद तंजीम को छोड़कर खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। काबिल जिक्र है कि बस्तर में अब तक 164 नक्सली मारे जा चुके हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने भी कहा है कि हुकूमत मार्च 2026 तक मुल्क को नक्सल इंतहा पसंदी से आजाद कराने में कामयाब हो जाएगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज पैरेडिन मीडिया नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कॉन्क्लेव 2024 में शिरकत करेंगे। वो प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। पूर्णिया शहर के कई वार्डों में सैलाब का पानी परेशानी का बाइस बन गया है। हालांकि कोसी बैराज में पानी का बहाव कम हो गया है लेकिन कोसी और इसके मुआविन नदियों की आबी सतह में नुमाया इजाफे की वजह से सैलाब का पानी पूर्णिया के शहरी इलाकों में भी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर तश्वीशनाक है। शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। शहर के वस्त में बहने वाली दरियाए सोरा में भी तुकयानी है। सदर सब डिविजनल ऑफिसर ने बताया कि सैलाब जदगान के लिए खाने और रिहाइश के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। और बिहार के शुमाल मशरकी हिस्से में बहने वाली कोसी नदी के पानी की सतह में इजाफे से आने वाले सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हैं। सैलाब से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आज भी वो अपना घर बार छोड़कर पश्तो प्रिया अपने रिश्तेदारों के पास पनाह ले रहे हैं। ताहम अब सैलाब का पानी कम होना शुरू हो गया है और लोग अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं। जिला इंतजामिया भी सैलाब जदगान की मदद के लिए सरगर्मी अमल है। इस बार कोसी में कुछ ज्यादा ही भयानक थी। कारण था 6.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी कोसी बैराज से डिस्चार्ज किया गया और उसके बाद लगभग 6 से 7 घंटे में जो सहरसा और सुपौल का पूरा इलाका है वो बाढ़ग्रस्त हो गया।
हमारे साथ एसडीआरएफ टीम से है, ये बताएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने लोगों को रेस्क्यू किया, किस तरीके से कॉल्स आ रहे थे, क्या उस दिन का कैसा माहौल था? सर उस दिन का तो माहौल बहुत भयानक था और हम लोग बिल्कुल अपने दिलो जान से वहां पे, जहां पे देखे कि यहां पे ज्यादा घटना होने की चांस है, वहां पर हम लोग गर्दन भर पानी में भी घुस करके सर रेस्क्यू किए हैं और लगभग सभी आदमियों को हमने बिल्कुल सही सलामत सेफ हालात में निकाले। घर के सर छप्पर के ऊपर से निकाला गया है, निकाले हैं और पानी इतना था कि उसका गेट था ना, गेट सब डूब गया है, गेट से बाहर नहीं आ सकते थे तो ऊपर से निकाले गए। तो आपने देखा कि किस तरह डीडी न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से बना हुआ है और हम आपको दिखा रहे हैं कि कोसी नदी ने किस तरह कहर बरसाया। आपने देखा कि किस तरीके से एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार लोगों की मदद कर रही है और राज्य सरकार की द्वारा जो भी सहायता दी जानी चाहिए वो किस तरीके से वो लोगों तक पहुंचा रही है। डीडी न्यूज के लिए आनंद झा के साथ मधुरेश नारायण। मुल्क भर की कई रियासतों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरकी रियासतों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और रॉयलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, क्राइकल, जनूबी भारत में केरला के मुख्तलिफ मकामात पर अगले 2 से 3 दिनों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही शुमाली खलीज बंगाल और बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के मुलहका साहिली इलाकों पर कम दबाव का एक इलाका बदस्तूर बरकरार है। बैरून मुल्क से शुरू होने वाली फर्जी कॉल की रोकथाम के लिए टेली कम्युनिकेशन के महकमे ने टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों के साथ मिलकर एक जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया है। यह निज़ाम बैरून अक्वामी फर्जी कॉल को हिंदुस्तानी टेलीकॉम सार्फीन तक पहुंचने से पहले ही उनकी शिनाख्त और रोकने में मदद करेगा। अब तमाम सिस्टम को मिलाकर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा है जो बाकी तमाम फर्जी कॉल को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा महकमा मवासलात शहरियों को मशवरा देता है कि वो स्पैम कॉल्स की इत्तला देने के लिए चक्षु का इस्तेमाल करें। ये संचार साथी प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब एक खसूसियत है जहां मुश्तबा अफराद फर्जी कॉल और SMS की इत्तला दे सकते हैं। अमेठी में बच्चों समेत 4 लोगों को गोली मारकर हलाक करने वाला मुलजिम चंदन वर्मा एनकाउंटर में जख्मी हो गया है। मुलजिम ने इंस्पेक्टर मदन कुमार सिंह की पिस्तौल छीनकर गोली चलाई जिसके बाद पुलिस ने अपने दिफा में गोली चलाई। एनकाउंटर के दौरान चंदन को उसके दाएं टांग पर गोली लगी है। अमेठी पुलिस ने चंदन को तलोई CHC में दाखिल कराया है। दरअसल पुलिस ने मुलजिम चंदन से कत्ल में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल बरामद किया था। वहीं कल UP STF ने मुलजिम चंदन वर्मा को नोएडा जेर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। बुलंदशहर में नमाज जुमे के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने हंगामा किया और नारे लगाए। बरादरी के लोगों ने नरसिम्हा नंद सरस्वती के पोस्टर फाड़कर हंगामा खड़ा किया। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाय वकू पर पहुंच गई और लोगों को समझाने की कोशिश की। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र करडी MC CP सिंह और SSP श्लोक कुमार भी भारी पुलिस फोर्सेस के साथ वहाँ पहुँच गए और हालात को संभाला। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। मुल्क भर में नवरात्रि का त्यौहार भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। दिल्ली के मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ देखी जा सकती है। अर्जेंटाइन की वजीर खारजा डायना मोंडिनो नई दिल्ली पहुंच गई हैं। डायना आज से 9 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। वो भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत भी करेंगी।
और आई नाजरीन अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन अखबारात के जायजे में सबसे पहले कुछ खास खबरें देख लेते हैं। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर काबीना की एक अहम मीटिंग हुई है। दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा, हिंदुस्तान पर मुमकिन असरात पर तबादला ख्याल इस मीटिंग में किया गया। और आइए अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। हरियाणा में पोलिंग आज, 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। और आपको बता दें कि तमाम 90 असेंबली हल्कों में कुल 631 उम्मीदवार हैं और सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी। हिंद, बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान बिजली का मुहैदे पर दस्तखत हुए हैं। ये मुहैदा इलाकाई तवानाई की तजारत के फरोग की जानिब एक अहम कदम है और साथ में ये माहौल दोस्त भी है। और अगली खबर है देखिए कि सुपौल में दर्जनों लोगों से भरी कश्ती पलट गई है। मकामी बाशिंदगान और टीम के जरिए बचाव का काम जारी है। आपको यहाँ नाज़रीन बताते चलें कि वक्त रहते लोगों को राहत पहुंचाई गई है और तकरीबन ये बहुत छोटी कश्ती थी जिसमें तकरीबन 20 अफराद सवार थे। और आगे बढ़ जाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है और वज़ीर आज़म मोदी आज पीएम किसान स्कीम की 18वीं किस्त जारी करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में खुशहाली लेकर आएगा। आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने पर हिंदुस्तान के पास तरक्की याफ्ता ममालिक की जैसी तमाम खसूसियात होंगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल इस मीटिंग में ये बात कही और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठाएगी। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। जयशंकर SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। जी हां, 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा रहेगा जयशंकर का और इस्लामाबाद में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराही इजलास में भारत के वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। और अब चलते चलते एक और नाज़रीन खबर देख लेते हैं। पूरे मशरिक़ वुस्ता में जंग नहीं छिड़ेगी, हम इसराइल की हिफाजत करेंगे। ये कहना है अमरीकी सदर बाइडन का और साथ में उन्होंने कहा है कि जंग पर वो यकीन नहीं रखते लेकिन जंग ना हो इसके लिए कुछ बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प के दौरान आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गोलाबारी की गई। ये मुजाहिरीन पाबंदी के बावजूद हुकूमत मुखालिफ रैली निकाल रहे थे और इमरान को रिहा करो के नारे लगाते हुए इमरान खान और PTI के झंडे उठाए हुए थे। दरहकीकत आइंदा SCO कॉन्फ्रेंस के लिए कई आला सतही सिफारती प्रोग्रामों के पेश नजर शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेबनान के जनूबी इलाके में इसराइली फौज और हिजबुल्ला के जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया है। इस हमले के बाद होने वाले नुकसान का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों पर अमरीकी सदर जो बाइडन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके इंतजामिया ईरानी तेल की तनसीबात पर मुमकिन इसराइली हमलों पर बात कर रही है। इसराइल ने फलस्तीन के मगरबी किनारे के शहर तलकरम पर बड़ा हमला किया है। फलस्तीन ने एक बयान जारी किया है। उसने हमास के एक अहम मुकामी कमांडर ज़ाही यासिर उफी समेत तकरीबन 8 अफराद को हलाक कर दिया। आपको बताते चलें कि बैरूत में इसराइली फौज के मुसलसल हमले जारी हैं। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन खबरनामा